खरगोन शहर की लाइफलाइन कुंदा का पानी गंदगी से लबरेज है। डिजियाना न्यूज चैनल की निर्मल कुंदा मुहिम ने आज कुंदा की सफाई को लेकर मीडिया से बात की गई। सभी मानते हैं कि इसके लिए दीर्घकालीन योजना का काम होना चाहिए। आप किसी से भी पूछें, खरगोन शहर की कुंदा नदी के लिए सम्मानजनक संबोधन सुनने को ही मिलेगा। फिर ऐसा क्या हुआ कि निर्मल कुंदा में गंदगी का ढेर बढ़ता ही गया? डिजियाना के निर्मल कुंदा अभियान में मीडिया से जुड़े वरिष्ठ पत्रकारों से भी हमने इसी सवाल को पूछा। डिजियाना पे जो अभियान चला कुंदा निर्मल, वो अभियान बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उस पर जो अभियान चल रहा है, लेकिन जो टीवी पर चल रहा है, लेकिन जिस तरह जमीनी स्तर पर जो चलाना चाहिए, सामाजिक संगठन भी आगे आए, नगर पालिका ने भी समय समय पर किया, लेकिन वो चंद दिनों के लिए किया जाता है, उसके बाद वापस वही गंदगी में परिवर्तित हो जाती कुंदा नदी। उस उधर ध्यान कोई नहीं दे पाता, सामाजिक संगठन के लिए अपने नाम वाई कर लेता, उसके बाद वो पलट के नहीं देखता है कुंदा किस तरह सफाई है कि नहीं है। प्रतिवर्ष नगर पालिका द्वारा एक अभियान चलाया जाता है और अभियान में सामाजिक संगठन भी जुड़ता है। सफाई 15 दिन चलती है, 10 दिन चलती है, उसके बाद कोई उसको देखने नहीं जाता है। आज जो करोड़ों रुपये लगा के नगर पालिका ने नाला डाइवर्ट किया है, लेकिन वो नाला भी उपयोग में नहीं आ रहा, अभी भी कुंदा में गंदा पानी मिलते ही आ रहा है। कहीं ना कहीं जो खरगोन की जीवन दायिनी कुंदा नदी कही जाती है, लेकिन उस तरह कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है, वो अभी भी ऐसी जैसी गंदी अपनी दुर्दशा को आंसू बहा रही है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक संगठन सहित कोई प्रशासनिक ठोस नीति बने और उसको कहीं ना कहीं उसको एक आगामी मतलब पूर्णतः लेके जाके आखिरी छोर तक उसे छोड़े कि शुद्ध पूरी तरह शुद्ध करे, उसके बाद ही वो ये अभियान सफल हो पाएगा, नहीं तो अभियान जिस तरह चला गया तो वो सफल नहीं हो पाएगा। सभी ने विस्तृत कार्य योजना जन जागरूकता के अभाव को कुंदा के प्रदूषण का कारण बताया। आज भी अपनी गंदगी को धो नहीं पाए, या यूं कहें कि हम कुंदा को साफ नहीं कर पाए, जिम्मेदारी हमारी है। और डिजियाना न्यूज ने एक निर्मल कुंदा को लेकर एक मुहिम शुरू की है, इसमें हम खरगोन शहर के सभी वर्गों का, विभिन्न समुदायों का हम व्यू ले रहे हैं और इस समय हमारे बीच मौजूद हैं कुंदा अभियान से जुड़े रहे वरिष्ठ पत्रकार मनोज रघुवंशी, जिन्होंने कुंदा को काफ़ी करीब से देखा है, वो इसकी परेशानी को समझते हैं, इसके दर्द को समझते हैं। आज हम उन्हीं से बात करेंगे कि ऐसा क्या हो कि कुंदा एक बार फिर से निर्मल कुंदा में तब्दील हो सके। मनोज जी, बरसों से कुंदा को लेकर सफाई के प्रयास किए जाते रहे, बावजूद उसके आज भी कुंदा उसी गंदगी के ढेर में तब्दील है, कहाँ कुछ कमी रही? पहले तो मैं डिजाइना परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने निर्मल कुंदा को लेकर अभियान शुरू किया है। यह बड़ी अच्छी सोच है और सकारात्मक पहल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अगर डिजाइना परिवार उठा रहा है तो मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं अब कुंदा को लेकर समाज और एक जन जागृति का अभियान इससे जुड़ेगा। बात रही कुंदा को निर्मल कैसे किया जाए, खरगोन शहर की आबादी 2 लाख से ऊपर हो चुकी है और खरगोन को जीवन देने वाली जीवनदायिनी कुंदा नदी के नाम से पहचानी जाती है। कुंदा को लेकर बड़े बड़े काम हुए हैं, तत्कालीन विधायक महोदयों ने कुंदा पर 1-1 करोड़ रुपए के 2 डैम बनवाए थे, सरकार ने पैसा खूब लगाया। ये भी उस समय प्रचारित किया गया था कि कुंदा में नौका विहार होगा, आज आप ही देख रहे हो कुंदा में नौका विहार की स्थिति नहीं है, उन डैमों की स्थिति क्या है। तत्कालीन कलेक्टर अशोक वर्मा ने स्वच्छ भारत को देखते हुए जो मिशन मोदी जी ने चलाया था उसको लेकर कुंदा सफाई अभियान का अभियान चला था, उसमें पूरा शहर कुंदा से जुड़ गया था और 4 दिन में कुंदा को जो गंदगी थी उसको साफ की थी जन मानस ने। उसमें सभी थे, विधायक महोदय भी थे, कलेक्टर महोदय भी थे, पत्रकार साथी भी थे, सामाजिक लोग भी थे और शहर का हर बंदा उससे जुड़ा था। कुछ सामाजिक संगठनों ने कुंदा को गोद में लिया, कुंदा को हमने गोद लिया है, हम कुंदा को ठीक करेंगे। जैसे कोई बच्चा रहता है उसको गोद लेते हैं, पालन पोषण की जवाबदारी ली जाती है, ऐसे ही कुंदा को भी गोद लिया जा चुका है, लेकिन ढाक के 3 पात ही सब तरफ से नजर आए। ठीक है, आप लोग ये अभियान चला रहे हो तो इस अभियान में निश्चित समाज को जुड़ने की बहुत आवश्यकता है और अगर समाज जुड़ता है डिजाइना परिवार के माध्यम से तो कुंदा को निर्मल करके ही छोड़ेगा।
आज कुंदा की स्थिति गटर जैसी हो गई, डबरे जैसी हो गई है, क्योंकि शहर का पूरा गंदगी का पानी कुंदा में जाता है। जब ये लिंक रोड बना था, मैंने तत्कालीन विधायक महोदय को भी बोला था, तत्कालीन CMO महेंद्र कुमार राय जी को बोला था कि आप गलत बना रहे हो, ये रोड बने लेकिन इस रोड के नीचे से एक ऐसा ड्रेनेज लाइन बने कि ये गंदा पानी कुंदा में ना जाए, इसके माध्यम से सीधा निकल जाए कब्रस्तान के आसपास और उधर बाहर कर दे, और उस पानी का भी हम उपयोग करें, उसको भी एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाए, वो अगर पानी साफ होकर उड़ता है तो उसका अपन उपयोग किया जा सकता है। वो नहीं सुनी, करोड़ों रुपये लग गए। उसके बाद भी नई योजना आई, ये जो सीवेज लाइन जा रही है खुल रहे हैं, वो भी पानी के इतने इतने मोटे मोटे पाइप जरूर डाले हैं, करोड़ों रुपये लगे हैं, लेकिन वो कभी भी चौक हो जाते हैं, गंदगी बदबू मारता है उस रोड पर, लिंक रोड से जब वो फूटता है। तो तत्कालीन CMO निशिकांत शुक्ला जी को मैंने फ़ोन करके बोला, मैंने की लाइन फूट गई है, बहुत बुरी बदबू आ रही, कैसे निकले इंसान, दो दिन में उसको साफ कराया। मनोज जी, अब वर्तमान में ये तो आपने बताया कई प्रयास भी किए गए, और निसंदेह उन प्रयासों का क्या नतीजा है वो आज आपके और हमारे सभी के सामने है जी, लेकिन अब ऐसे क्या प्रयास होना चाहिए जिससे हम इस जो पिछली गलतियां इनको भूल करके एक नए सिरे से निर्मल कुंदा के लिए प्रयास करें। निर्मल कुंदा बिल्कुल बन सकती है खरगोन की, ये जो पुराने पुल के ऊपर से जो इलाका है वहाँ से कुंदा की सफाई अभियान शुरू हो, और नीचे सुखपुरी तक अगर कुंदा को लेकर कोई बड़ा प्लान बनता है और कार्य योजना बनती है, उस कार्य योजना के तहत कुंदा का पानी कुंदा में जाए और शहर का गंदा पानी साइड से निकल जाए, ऐसी ठोस योजना बनाना पड़ेगी, तभी कुंदा का पानी और कुंदा निर्मल की संभावना बनेगी। और इसमें समाज भी जुड़े, जनप्रतिनिधि भी जुड़े और सरकार भी जुड़े, और सरकार, समाज और जनप्रतिनिधि और प्रशासक जुड़ जाएगा तो निश्चित कुंदा अपने आप बहेगी, निर्मल बहेगी और सुंदर दिखेगी। और कुंदा के आसपास बिल्कुल लाइटिंग की व्यवस्था होना चाहिए, बहुत अच्छा तट है, और अब तो खुशी की बात है कलेक्टर कार्यालय उस इलाके में चला गया है, तो दोनों पुल की तरफ से बहुत अच्छी सुंदरता, जब भी कोई खरगोन से, गुजरात से व्यक्ति आएगा, महाराष्ट्र से व्यक्ति आएगा, इंदौर से आएगा, तो लगेगा कि शहर का ये कुंदा का तट कितना खूबसूरत और सुंदर है। नवग्रह का मंदिर वहाँ पर है, तीनों धार्मिक स्थल है, मस्जिद है, चर्च है, मंदिर है, ऐसा महासंगम वाला इलाके में कुंदा निकल रही है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और डिजाना परिवार ने जो अभियान छेड़ा है, निश्चित इसके माध्यम से कहीं ना कहीं बिल्कुल सब लोग जुड़ेंगे, और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी कुंदा के लिए, मैं कुंदा में उस समय मजदूर के रूप में तकारी उठाया था, और आने वाले समय में अगर कुंदा की जरूरत पड़ेगी तो मजदूर के रूप में मैं निःशुल्क एक सेवक के रूप में वहाँ काम करूँगा, जो मजदूर लगेंगे उनके साथ में फावड़ा खेती से कचरा भी उठाऊँगा, कीचड़ भी उठाऊँगा, लेकिन कुंदा निर्मल होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। डिजाना न्यूज का भी यही प्रयास है कि हम किसी भी प्रकार से कुंदा को उसके वास्तविक स्वरूप में ला सकें, हम उसको उसी दशकों पुराने निर्मल स्वरूप में ला सकें, और ये शहर मिलकर ही इस कार्य को कर सकता है। डिजाना का भी यही प्रयास है आप सभी को निर्मल कुंदा अभियान से जोड़ने का। कैमरामैन आदेश के साथ अनिल पांडे, डिजाना न्यूज, खरगोन।